हमने क्या करना है कि यहां से एक दो तीन चार पांच पांच कॉलम यहां बनाने हैं, पांच कॉलम यहां बनाने हैं, एक दो तीन चार पांच, पांच कॉलम बन गए। हमने क्या करना है, किसको भी स्टार वाले कॉलम, किसको भी स्टार वाले कॉलम को याद रखना है, स्टार वाले कॉलम को याद करके, स्टार वाले कॉलम को याद करके जितनी भी वर्ब्स है हेल्पिंग वर्ब्स है उसको हम कवर कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आपने क्या करना है भाई, यहाँ पे लिख लोगे टेंस, यहाँ पे शुरू में क्या लिखोगे टेंस। टेंस कितने होते हैं, टेंस होते हैं तीन, टेंस होते हैं तीन, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। यहाँ पे लिखोगे आप फ्यूचर, यहाँ पे क्या लिखोगे आप फ्यूचर। स्टार के कॉलम के बाद में आपने क्या लिखना है भाई, प्रेजेंट। स्टार के कॉलम के बाद में आपने क्या लिखना है, प्रेजेंट। और उसके अगले कॉलम में क्या लिखना है, पास्ट। ये आपने मतलब क्या है भाई, ऊपर वाले कॉलम को फिल करना है। ये टेंस वाला जो कॉलम है वो कॉमन रहेगा ऊपर वाले के लिए भी और नीचे वाले के लिए भी। ऊपर आ जाएंगे टेंस के नाम और नीचे वाले चार कॉलम्स के आ जाए, चार कॉलम्स के अंदर क्या जाएंगे टेंस के पार्ट। पहला पार्ट कौन सा होता है, सिंपल, जिसे हम इनडेफिनिट भी कहते हैं। पहला पार्ट कौन सा होता है, सिंपल, जिसे हम इनडेफिनिट भी कहते हैं। दूसरा कौन सा होता है, कंटिन्यूस। दूसरा कौन सा होता है भी, कंटिन्यूस, जिसको हम कंटिन्यूस ही कहेंगे। तीसरा, तीसरा कौन सा है भी, परफेक्ट। तीसरा पार्ट कौन सा है भी, परफेक्ट। तीसरा पार्ट होता है इसका परफेक्ट। आपको चौथा याद करने की जरूरत नहीं है, तीसरा और चौथा मिक्स कर दो, दूसरा और तीसरा मिक्स कर दो, चौथा अपने आप बन जाएगा। देखो मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक कॉलम बनाओगे टेंस जो कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ से अपने क्या कॉमन रहेगा। पहला आपने क्या बनाना है, फ्यूचर। दूसरे में स्टार लगाना है, तीसरे में प्रेजेंट और चौथे में फ्यूचर। ये बन जाएगा, आपने मेनली स्टार वाले कॉलम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है भाई। अब इसके पार्ट, पहला कौन सा है, सिंपल, जिसे हम इंडेफिनिट भी कहते हैं। दूसरा कौन सा, कंटिन्यूस। तीसरा कौन सा, परफेक्ट। और दूसरे और तीसरे को मिक्स कर दोगे तो क्या बन जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाएगा। अब आगे आपने ध्यान रखना है कि स्टार वाले कॉलम से हम, आगे आपने ध्यान देना है कि स्टार वाले कॉलम से हम किस तरह से पूरे टेंस की हेल्पिंग वर्ब और वर्ब्स को, किस तरह से हम हेल्पिंग वर्ब्स और वर्ब्स को कवर कर सकते हैं, ठीक है। केवल स्टार वाले कॉलम को याद करते हैं। स्टार वाले कॉलम में आपने सिंपल में क्या लगाना है, सिंपल में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या याद करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म याद करनी है। कंटिन्यूस में आपने क्या याद करना है, कंटिन्यूस में बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, कंटिन्यूस में बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और परफेक्ट के अंदर क्या याद करना है, आपने हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर आपने क्या याद करना है, हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। देखो भी इस स्टार वाले कॉलम को कवर करके आप पूरे टेंस की हेल्पिंग वर्ब कवर कर सकते हो। जैसे मैंने बताया सिंपल में आपने क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म याद करनी है, कंटिन्यूस के अंदर बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म याद करनी है, ठीक है। उसके बाद में परफेक्ट, परफेक्ट टेंस के अंदर आपने क्या करना है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म याद करनी है। परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या करना है, हैव बीन आईएनजी याद करनी है, ठीक है भी। इससे आप क्या कर सकते हो, पूरी प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर की जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स हो सारे के सारे कवर कर सकते हो। जैसे हम आते हैं किसके ऊपर भी, फर्स्ट फॉर्म के ऊपर, जितने भी स्टार वाले कॉलम है उसका आप प्रेजेंट करते जाओगे, प्रेजेंट करते जाओगे, उसकी फर्स्ट फॉर्म बनाते जाओगे, प्रेजेंट अपने आप बन जाएगा। जितना भी स्टार वाला कॉलम है उसकी फर्स्ट फॉर्म बनाओगे तो प्रेजेंट बन जाएगा। जैसे फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पे देखो भी एक वचन बहुवचन मैटर करेगा, सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल मैटर करेगा। जैसे कि यहाँ पे क्या भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो कि प्रेजेंट में आके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लग जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लग जाएगा। यहाँ पे दो ऑप्शन, एक प्लूरल के लिए, एक सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, एक प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, दूसरा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए होता है। समझ आ रही बात, ध्यान दें भी, रिपीट करो उस बात को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपल के अंदर, सिंपल के अंदर हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कॉलम में, सिंपल के स्टार वाले कॉलम में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कंटिन्यूस के स्टार वाले कॉलम में बी प्लस आईएनजी, परफेक्ट के स्टार वाले कॉलम में हैव प्लस थर्ड, और परफेक्ट कंटिन्यूस के स्टार वाले कॉलम में हैव बीन आईएनजी आपको याद करनी है, ठीक है। इसका हमने प्रेजेंट बनाया, प्रेजेंट के दो ऑप्शन कौन से बन गए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस। इसका देखो भी ये आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर, ज्यादा पजल नहीं करूंगा दूसरे बताकर ज्यादा पजल आपको नहीं करूंगा भी, क्योंकि इसके और भी है, नेगेटिव इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है भी। केवल आप एक बार इसके ही ऊपर आपने कॉन्सेंट्रेट करना है, इसमें क्या बन जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस।
ठीक है भी। उसके बाद में हम चलेंगे दूसरे के ऊपर, किसके ऊपर, कंटिन्यूस के ऊपर। कंटिन्यूस में आपने क्या करना है, बी का प्रेजेंट, बी की फर्स्ट फॉर्म बनानी है। तो बी की फर्स्ट फॉर्म क्या आती है, इज आर और एम, इज आर और एम, इसकी मतलब क्या है, बी फर्स्ट फॉर्म होती है। सातवें वर्ब की फॉर्म आई एन जी, सातवें वर्ब की फॉर्म आई एन जी। बी से बी का प्रेजेंट क्या होता है, इज आर और एम होता है। बी का प्रेजेंट क्या होगा, इज आर और एम हो जाएगा। उसी तरह से हमने क्या करना है, हैव का प्रेजेंट बनाना है। हैव का प्रेजेंट हैव का प्रेजेंट क्या हो जाएगा, हैज और हैव हो जाएगा। और फॉर्म इसके साथ कौन सी हो जाएगी, थर्ड आ जाएगी। फॉर्म इसके साथ कौन सी हो जाएगी, थर्ड आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद में किसको फिर किसको कवर करना है, परफेक्ट कंटिन्यूस के हैव को कवर करना है। हैव का क्या बन जाएगा, हैज और हैव। हैव का प्रेजेंट होता है हैज और हैव, उसके साथ में वही बीन वही आईएनजी, वही बीन और वही आईएनजी लग जाती है। देखो ध्यान दो, फॉर्म सभी के अंदर सेम है, फॉर्म सभी के अंदर सेम है। हमने हम क्या कर रहे हैं, केवल फर्स्ट